My dear students, today we will like to discuss about our constitution, why it's needed, and what is the importance of our constitution. Previously, we have taught you about constitution, what is the meaning of constitution. And you all know it is a collection of laws on the basis of that laws any country govern or run smoothly or systematically. So now question is, why it's needed? Our topic is the role of the constitution and the need for laws. It is the main thing, why it's needed. So we have already discussed that constitution is a collection of all those rules and laws, and fundamental principle according which the administration of any country run smoothly. यानी संविधान कानूनों का एक दस्तावेज है जिसके आधार पर कोई भी राष्ट्र चलता है, शासित होता है. एंड एवरी पर्सन हैव टू फॉलो टू ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस which are mentioned in our constitution. Everybody knows it. And under this constitution, there are some important words and which are most important to know about the meaning of those important words, like sovereign. Our country is a sovereign state. What is the meaning of sovereign? It means it is independent, fully free, without control by any other country or any power, and we have all power to rule over the country. Yani samprabhuta se tatparya hai ki bina kisi के दबाव के, बिना किसी राष्ट्र के कंट्रोल के, बिना विदेशी ताकत के या इंटरनल इंटरफेरेंस के, जो राष्ट्र स्वयं के स्तर पर पूर्ण आजादी के साथ राष्ट्र के हित कल्याण के लिए नीति निर्धारित करे, राष्ट्र को चलावे, इसमें किसी भी प्रकार का किसी दूसरे राष्ट्र का इंटरफेयर नहीं हो, प्रभुत्व नहीं हो, स्वामित्व नहीं हो, स्वयं का स्वामित्व हो, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं सॉवरेन. प्रभुता से संपन्न, सामर्थ्य से युक्त ऐसा राष्ट्र जो प्रभुता से संपन्न हो, सामर्थ्य से युक्त हो, बिना किसी विदेशी राष्ट्र का इंटरनल इंटरफेरेंसेज हो अपने देश पर, ऐसा राष्ट्र को हम सॉवरेन स्टेट के नाम से जानते हैं. तो मैंने पहले ही कहा था कि संविधान भारत का ऐसा संविधान है, लिखित संविधान है, जो दुनिया का सबसे बृहत रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है. इससे बड़ा कोई नहीं कॉन्स्टिट्यूशन है. और
कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो संविधान के विशेषज्ञ थे, मर्मज्ञ थे, उन्होंने विश्व के ऐसी कई राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन किया, अवलोकन किया, और उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी, जो राष्ट्र के लिए, जो जन कल्याण के लिए, जो व्यक्ति के कल्याण के लिए सर्वथा उपयुक्त था, ऐसे शब्दों का, ऐसे नियमों का संग्रह किया गया, उसको एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया गया। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों के संविधान में जो वैशिष्टताएं हैं, वे सारी की सारी वैशिष्टताएं भारत के संविधान में समाहित है। यही कारण है, और इस प्रकार का कार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, विशेष रूप से उनके और सहयोगियों ने। तो यही कारण है कि संविधान का प्रेमर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में हम लोग जानते हैं, मतलब हुई द प्रेमर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही कारण है कि बहुत ही उपयुक्त और देश के अनुकूल भारत का संविधान है, जिसमें वेरी बॉटम टू पीक, यानी समाज के अत्यंत निम्न स्तर के लोगों से लेकर के सर्वोच्च स्तर तक सबों की चिंता की गई है संविधान। तो इसी में जो एक है, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें जो मूल मूल बातें हैं, जिसको कि हम लोग को शब्दशः अर्थ जानना चाहिए, तो ये एक उसमें से संविधान, भारत का संविधान किस प्रकार से है, तो प्रभुता से संपन्न संविधान, विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय एनी अदर कंट्री, अवर रन कंट्री इज रनिंग स्मूथली, दैट इज नोन एज सॉवरेन स्टेट। नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट, सोशलिस्ट जिस पर समाज का, राष्ट्र का, सबका अधिकार, ऐसी परिकल्पना भारत के संविधान में है, वर्णित है कि जन जन तक भारत के जो संसाधन है, रिसोर्स है, वो जन जन तक उसका लाभ मिले, अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इनकम, उसको प्रयास करना कि जहां तक बन सके उसमें सिमिलरिटी ला, समानता ला। बहुत कोई अट्टालिका पर है तो उसको चलो भाई आगे बढ़ता है, बढ़ने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो पिछड़ा हुआ समुदाय है उसको डिफरेंट फैसिलिटीज के माध्यम से देश की जनता को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का, प्रगति करने का भरसक कार्य इस सोशलिस्ट स्टेट में की विशेषता है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनकम है, वेल्थ है। ध्येय यह है कि इसके तमाम इस प्रकार की जो अनइक्वलिटी है उसको बहुत हद तक दूर करने का प्रयास इस सोशलिस्ट स्टेट में हम देखते हैं। तो यह भी आदर्श दृष्टिकोण है कि भाई ऐसे समुदाय के लोग जो पिछड़ा हुआ है उनको भी, या जिनका इनकम बेहद कम है उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, अधिक से अधिक
उसमें भी समानता है, इक्वलिटी है, इसका प्रयास सदैव रहता है, ऐसा भाव भारत के संविधान में समान है। तो इससे क्या होगा कि ऐसे हैं जिसके पास में पहले धन नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो उसके बीच में भी यदि बंटवारा होता है विभिन्न प्रोग्राम्स के माध्यम से सपोर्ट मिलता है तो वो भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से जो सामर्थ्यवान है तो बढ़ गया और जो सामर्थ्यवान नहीं है वो भी बढ़ रहा है तीव्र गति से। इसका मतलब है कि देश का चतुर्दिक विकास और भी गति के साथ होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी, डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी परिकल्पना जो है भारत के संविधान की है। इसके बाद आप देख रहे हैं एक वर्ड है सेकुलर, सेकुलर स्टेट। अब ये सेकुलर स्टेट इस पर बड़ा पॉलिटिकल ये इशू समय समय पर बन जाता है और खास करके तब जब इलेक्शन का समय आता है, क्योंकि नेता को तो चाहिए अपनी रोटी सेकने के लिए जनता के बीच बीच प्रकार से आपसी भेदभाव को क्रिएट करने का कार्य किया जाता है ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके, उस सबको पता है। तो इस तरह से इस सेकुलर स्टेट में क्या होता है, भारत के ये वैशिष्टता है, भारत के संविधान की ये वैशिष्टता है, क्या है कि सेकुलर स्टेट के रूप में जाना जाता है, स्टेट वेयर देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर किसी समुदाय विशेष को बहुत महत्व देना, किसी दूसरे समुदाय विशेष को बहुत कम महत्व देना या कम करके आंकना, देयर इज नो एनी प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। That is why it is very good thing, and all communities and religions have equal rights. यानि सभी धर्म के सभी समुदाय के लोगों में इस प्रकार की विशेषता है, जिसको जिस प्रकार का धर्म को अपनाने की चाहत है अपनाते हैं, अपना रहे हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, बल्कि संविधान कहता है कि जिसको जिस किसी भी प्रकार के धर्म को अपनाने का, धर्म को लेकर आगे बढ़ने का की चाहत है वो आराम से बढ़े, वो अपना सकता है। देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं है और नहीं किसी जादे किसी धर्म विशेष को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और किसी धर्म विशेष को नहीं ज्यादा नहीं कम महत्व दिया जाता है, सबको बराबर महत्व दिया जाता है, सबको बराबर। यही कारण है कि भारत ऐसा राष्ट्र है, यहां पर सभी धर्म के मतलब अधिकांश धर्मावलंबी बड़े ही अमन चैन से यहां रहते हैं। इसके ठीक विपरीत आप पाकिस्तान में चले जाओ, थियोक्रेटिकल स्टेट है, थियोक्रेटिक है मतलब धर्म के ही आधार पर, वहां बहुत गड़बड़ हिसाब किताब है, खैर उसके हम इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे, किंतु ये भारत की विशेषता है कि यहां पर किसी भी धर्म को अपनाने का या छोड़ने की पूरी आजादी यहां के नागरिकों में है। भारत के संविधान में इस प्रकार का स्पष्ट प्रावधान है, इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन है। तो इसके बाद क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट, ए स्टेट वेयर People elect to their representative. People
elect to their government, there is no any provision of hierarchies or kingdom system or monarchy. अर्थात यहाँ के संविधान में, भारतीय संविधान की एक यह भी विशेषता है कि यहाँ जो सरकार बनती है वो जनता ही सरकार चुनती है, वंश परंपरा के अनुसार से नहीं है। यह राजतंत्रीय शासन व्यवस्था नहीं है, अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था या फिर हिटलरशाही, तानाशाही या अन्य प्रकार के जो भी शासन तंत्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ के आम नागरिक सब मिल करके सरकार का चयन करते हैं और समय समय पर ये बदलते रहता है। यदि जनता को लगता है कि हमारे हित में, देश के हित में सरकार ढंग से काम नहीं कर रही, तो अगले 5 वर्ष के बाद वो सरकार गिर जाती है, उसको अगले 5 वर्ष के बाद पुनः सरकार निर्वाचित नहीं हो पाती है, दूसरे को मौका दिया है तो दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है। तो इस प्रकार की विशेषता वाला यह राष्ट्र भारत है। भारत के संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सरकार का चुनाव, सरकार का गठन में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सरकार को गठित करती है, चुनती है। यानी यही कारण है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यानी सरकार क्या है, वो जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए, यानी जनता ही बनाती है, जनता के लिए ही सरकार बनती है, जनता के ही पर सरकार बनती है। तो इस प्रकार से जहां जनता ही सर्वोपरि होती है, ऐसी इस प्रकार की शासन तंत्र को हम लोग डेमोक्रेटिक स्टेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद है, शॉर्ट में मैं खींच रहा हूं, इसके बाद है रिपब्लिक, इसको कहते हैं गणतंत्र राष्ट्र। गणतंत्र राष्ट्र से तात्पर्य है इसके जो शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उसका चयन, उनका चयन निर्वाचन जनता के द्वारा, और यानी राष्ट्रपति जो सर्वोपरि होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होता है, वो भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा उनका चयन होता है। तो प्रिंस डायरेक्टली पब्लिक पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व टू इलेक्ट टू अनोन प्रेसिडेंट। तो दिस टाइप ऑफ स्टेट इज नोन एज रिपब्लिक स्टेट। यानी राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी जनमत संग्रह के आधार पर होता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम लोग रिपब्लिक स्टेट के रूप में जानते हैं। इसके बाद है, तो ये जो महत्वपूर्ण 3-4 बातें थी जिसको हम लोगों को जानना चाहिए, उसको आज हमने क्लियर किया। तो इफ यू हैव एनी डाउट और प्रॉब्लम, I always say to all students, yes, without any hesitation, you can ask question. I will discuss each and everything. So, today, we will like to see you all students. You all students, remember your preamble and the meaning of these all 4-5 main points under which are under preamble. So, sovereign state, socialist state, secular state, democratic state, Republic States. So today enough. Thanks.